Hey, what's up guys? This is Mr. Technical and welcome back to the channel. Guys, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि भाई मुझे आईफोन परचेज करना है लेकिन मेरा बजट ज़्यादा नहीं है. तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग स्विच करते हैं कि भाई पुराना आईफोन ले लो और ब्रांड वैल्यू की ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी और काफ़ी सस्ते में काम भी हो जाएगा. तो क्या एक्चुअल में पुराने आईफोन खरीदना आज की डेट में समझदारी का काम है या नहीं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि पहले खुद आईफोन परचेज करके देखा जाए, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिकमेंड करने की कोशिश करूं कि क्या ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्या पुराने आईफोन आज की डेट में वैल्यू फॉर मनी हैं या फिर हमें नए की तरफ जाना चाहिए. तो इसके लिए मैंने भी परचेज किया है एक नया आईफोन जो कि है आईफोन 6 प्लस और ये रिफर्बिश्ड आईफोन है और ये TooGood.com से मैंने परचेज किया है. तो एक्चुअल में TooGood वेबसाइट कैसी है इसके बारे में भी हमको पता चल जाएगा. तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं आईफोन 6 प्लस को क्या आपको आज की डेट में परचेज करने चाहिए या नहीं. सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बॉक्स जो कि मैंने परचेज किया है TooGood.com से, जो कि फ्लिपकार्ट का ही एक अलग से प्रोग्राम है, उनकी ही अलग से एक अफिलेशन है TooGood की तरफ से. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बबल रैप्स दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई है और ये है फ़ोन का बॉक्स. हालांकि ये ओरिजिनल बॉक्स नहीं है जो कि आपको मिलता है आईफोन 6 प्लस में, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है और ये भी बॉक्स सील्ड है. तो ऐसा नहीं कि बीच में एक चीज़ें मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई हैं, चीज़ें जो हैं वो ब्रांड की तरफ से आती हैं, वो कंपनी की तरफ से आती हैं. और यहाँ पर आप MRP देख सकते हैं 40,000 रुपीज़ मैंशन किया गया है. और इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर कट करते हैं सील को, ब्रेक करते हैं. ओके, और यहाँ पे जो एक रैप है उसको उतारेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे इस बॉक्स को और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आईफोन 6 प्लस आपको मिल चुका है. हालांकि ये कलर जो है वो सिल्वर है और सामने की तरफ आपको ब्लैक मिल जाता है. और अगर हम बात करें यहाँ पे डेंट की या फिर स्क्रैच की, तो कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिल रहा है सामने की तरफ और पीछे की तरफ भी कोई भी स्क्रैच नहीं है. काफ़ी अच्छे से फ़ोन दिख रहा है रिफर्बिश्ड होने के बावजूद. हालांकि ये जो मैंने परचेज़ किया है ये है सुपर कैटेगरी का और इसके साथ में आपको मिल जाता है एक चार्जर. और अगर हम बात करें इस चार्जर की, तो ये आफ्टर मार्केट चार्जर है, मतलब ये एप्पल का ओरिजिनल चार्जर नहीं है, इसको ऐसे ही प्रोवाइड कराया गया है, ये ब्रांडेड चार्जर नहीं है. और केबल भी आपको दी गई है और ये भी आफ्टर मार्केट केबल है, जो एप्पल के साथ में दी जाती है वो केबल नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटनिंग पोर्ट आपको दिया गया है इस केबल में. और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो ऑन हो गया भाई, फ़ोन एकदम बढ़िया कंडीशन में है और एप्पल का लोगो आपको दिख रहा होगा. सो गाइज, यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रंट डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर पे हल्का सा आपको स्क्रैच देखने को मिलेगा, जो कि मिनिमल साइन है यूजर्स के, चूँकि ये रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन है, थोड़ा सा यूज़ किया गया है. और बैक पोर्शन की अगर हम बात करें, तो लोगो भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर जो फिनिश दी गई है वो भी काफ़ी अच्छी है. काफ़ी लाइटवेट स्मार्टफोन है और कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलता है. तो यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं और बताते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश, और यहाँ पे एप्पल टच आईडी भी आपको मिल जाती है, तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे. ओके, तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी अच्छे से अनलॉक कर रहा है. और आप देख सकते हैं जो UI है वो भी काफ़ी अच्छी है, iOS आपको देखने को मिल जाता है. और अगर हम बात करें इस फ़ोन की, तो मुझे लगता है कि TooGood की तरफ से कोई भी ऐसा इशू मुझे देखने को नहीं मिला है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन मुझे देखने को मिला है. और प्राइस की अगर हम बात करें, तो ये स्मार्टफोन मुझे सिर्फ 15,000 रुपये में देखने को मिला है. अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें मेरे ओपिनियन की, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ इसके लिए फ़ोन खरीदते हैं. ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लोगो लगा हुआ है. तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य है, कुछ ऐसा भी मोटो है, तो भी आप ले सकते हैं इस फ़ोन को, कोई भी इशू नहीं है. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें और देखने में फ़ोन काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी सारे ऑप्शन आपको वहाँ पे मिले, नई नई चीज़ें देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि एप्पल के आईफोन 6 प्लस या फिर ओल्ड जनरेशन स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेंगी. उसके लिए फिर चाहे आपको एंड्रॉयड की तरफ जाना पड़े, चाहे आपको आईफोन की तरफ जाना पड़े, आपको नए जनरेशन के स्मार्टफोन खरीदने पड़ेंगे. तो शो ऑफ करना है तो आप ले सकते हैं, आईफोन आपको लोगो मिल जाएगा एप्पल का, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप शो ऑफ कर सकते हैं. अब गाइज, यहाँ पे बात करते हैं TooGood वेबसाइट की, तो वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, आप ज़रूर से विजिट कर सकते हैं. हालांकि प्राइस आप ज़रूर कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नया स्मार्टफोन होता है और जो रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन होता है, दोनों की प्राइस में आपको 1-2 हज़ार का डिफरेंस मिलता है. तो ऐसे केस में मैं कहूँगा कि आप नए स्मार्टफोन की तरफ ही जाएँ, क्योंकि वो जो है वो ब्रांड स्मार्टफोन है और आपको वारंटी भी ब्रांड की तरफ से मिलती है. सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में.